गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बैंथम के उपयोगितावाद के बारे में पढ़ाया था। बैंथम एक ऐसे पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीति के ज्ञान में एक सुखवादी अवधारणा या उपयोगितावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और बैंथम का मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है वही राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य है, और इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को प्राप्त करने के लिए बैंथम के द्वारा एक प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र या आनंद मापक प्रणाली का निर्माण किया गया है। बैंथम के उपयोगितावाद की मूल मान्यता है कि मनुष्य स्वभाव से ऐसा प्राणी होता है जो हमेशा सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, और मनुष्य अपनी इस मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही सदैव कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है जिससे उसे सुख प्राप्त हो, दुख की प्राप्ति ना हो। बैंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य जाति को दो सत्ताधारी स्वामियों, सुख एवं दुख के शासनाधीन रखा है। हमें क्या करना चाहिए इसका निर्देश देना और हम क्या करें इसका निश्चय करना उन्हीं के हाथ में है। बैंथम ने सुख व दुख के विभिन्न प्रकार बताए हैं और उनके स्रोत भी बताए हैं। बैंथम की उपयोगितावादी धारणा एक भौतिकवादी धारणा है। उनका मानना है कि सुख अथवा दुख की नाप की जा सकती है। इस दृष्टि से उन्होंने एक प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र अथवा आनंद मापक प्रणाली का विचार दिया है। बैंथम के प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र में के संपूर्ण विचार को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। प्रणाली का उद्देश्य व्यवहारिक है। बैंथम के अनुसार इस प्रणाली की मदद से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी कार्य को करना उपयोगी होगा अथवा नहीं। इस प्रणाली के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि किसी कार्य से सुख अधिक उत्पन्न होगा या दुख। यदि किसी कार्य को किए जाने से दुख की तुलना में सुख अधिक उत्पन्न होता है तो उस कार्य को किया जाना चाहिए, और अगर उससे दुख ज़्यादा उत्पन्न होता है तो ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रणाली की मूल मान्यता यह है कि किन्हीं दो सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं होता अपितु उनमें केवल मात्रात्मक अंतर होता है। इसी प्रकार किन्हीं दो दुखों में भी गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल मात्रात्मक अंतर ही होता है। मात्रा एक भौतिक इकाई है जिसकी माप की जा सकती है। इस मान्यता के आधार पर बैंथम बताते हैं कि सुख अथवा दुख को मापा जा सकता है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी कार्य से उत्पन्न होने वाले सुख की कुल कितनी मात्रा होगी तथा उसी कार्य से उत्पन्न दुख की मात्रा कितनी होगी। इस प्रकार यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि उस कार्य से सुख की तुलना में दुख अधिक मिलेगा अथवा दुख की तुलना में सुख अधिक मिलेगा। सुख और दुख के माप के आधार में बैंथम के द्वारा कहा जाता है कि सुख अथवा दुख मापन 7 तथ्यों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तीव्रता, अवधि या स्थिरता, निश्चितता या अनिश्चितता, समीपता या दूरत्व, उत्पादकता, विशुद्धता तथा विस्तृतता। किसी सुख अथवा दुख की अनुभूति जितनी तीव्रता से की जाती है उसकी मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। कोई सुख अथवा दुख जितने अधिक समय तक स्थिर रहता है उसकी मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। कोई सुख अथवा दुख अपने रूप में जितना निश्चित होता है उसकी मात्रा भी उतनी अधिक होती है। जितना सुख या दुख अनिश्चित होता है उसी अनुपात में उसकी मात्रा भी सीमित हो जाती है। इसी प्रकार सुख अथवा दुख जितने अधिक निकट होता है उसी अनुपात में उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। सुख एवं दुख में उत्पादकता का गुण पाया जाता है। जब कोई सुख या दुख अपने जैसे ही अन्य सुखों या दुखों को अपने साथ लाता है तो उसकी उत्पादकता अधिक होती है। सुख या दुख की उत्पादकता अधिक होने पर उनकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। सुख या दुख की मात्रा उसकी विशुद्धता पर भी निर्भर करती है। जितना कोई सुख या दुख विशुद्ध होता है उसकी मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार बैंथम के अनुसार उपरोक्त 6 आधारों की मदद से व्यक्तिगत सुख या दुख को मापा जा सकता है, किंतु व्यक्तियों के समूह अथवा सार्वजनिक सुख या दुख की माप के लिए उपरोक्त 6 आधारों के अलावा एक अन्य 7वें आधार विस्तृतता की मदद ली जानी आवश्यक है। सुख या दुख की विस्तृतता का अर्थ है कि उस संभावित सुख अथवा दुख का प्रभाव कितने मनुष्यों पर पड़ेगा।
मापन में संवेदनशीलता का भी महत्व होता है। सुख और दुख की उत्पत्ति भौतिक अथवा बाह्य कारणों से होती है, किंतु सभी मनुष्यों द्वारा किसी एक ही सुख या दुख की अनुभूति समान रूप से नहीं की जाती। वस्तुतः मनुष्यों की संवेदनशीलता में अंतर होता है और उनकी अनुभूति में भी अंतर आ जाता है। बेंथम कहते हैं, मनुष्य की संवेदना को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। उनके अनुसार सुख या दुख की गणना में जब हम सुख या दुख की मात्रा का निर्धारण करते हैं, तो हमें संवेदना को प्रभावित करने वाले इन कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए। बेंथम ने संवेदना को प्रभावित करने वाले ऐसे 32 कारक बताए हैं, जिनमें मुख्य कारक इस प्रकार है, व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति, मनस्थिति, शिक्षा, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर आदि। सुख या दुख की वास्तविक माप के उपरोक्त आधारों की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी कार्यों से सुखों की कुल कितनी मात्रा प्राप्त होगी तथा उसी कार्य से दुखों की कुल कितनी मात्रा प्राप्त होगी, और इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि वह कार्य किया जाना चाहिए अथवा नहीं। बेंथम के अनुसार समस्त सुखों के सभी मूल्यों का योग एक ओर एकत्रित कर लेना चाहिए और समस्त दुखों के सभी मूल्यों का योग दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि दुखों के कुल मूल्यों के योग की तुलना में सुखों के कुल मूल्यों का योग अधिक हो तो वह कार्य ठीक है, किंतु यदि सुखों के कुल मूल्यों के योग की तुलना में दुखों के कुल मूल्यों का योग अधिक हो तो वह कार्य ठीक नहीं होता। इसी को आगे बढ़ाते हुए बेंथम कहते हैं, कोई वस्तु व्यक्ति के हित की वृद्धि करती हुई कही जाती है जब वह उसके सुख के कुल योग को बढ़ाती हो अथवा उसके दुख के कुल योग को घटाती हो। बेंथम इस प्रणाली का व्यवहारिक महत्व भी है। बेंथम के अनुसार इस प्रणाली का व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत उपयोगी है। ये व्यक्ति एवं सरकार किसी कार्य के बारे में यह निर्णय कर सकते हैं कि उसे किया जाना हितवर्धक होगा या नहीं। बेंथम के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से इस प्रणाली का विशिष्ट महत्व है। उनके अनुसार शासन एक साधन है और इसका उद्देश्य होना चाहिए उन समस्त कार्यों को करना जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करते हों। सुख की मात्रात्मक गणना के प्रथम 6 आधारों की मदद से सरकार द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी विधि या कौन से प्रशासनिक कार्य व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने में समर्थ होंगे, और विस्तृतता की मदद से यह मालूम किया जा सकता है कि उस विधि या प्रशासनिक कार्य से समाज के संबंधित वर्ग के कितने व्यक्ति सुखी होंगे। जिस विधि या प्रशासनिक कार्य से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होने की संभावना हो, उपयोगितावाद के अनुसार वही विधि या प्रशासनिक कार्य उचित होंगे। इस निर्णय पर पहुंचने में आनंद मापक प्रणाली बहुत ही सहायक होती है, और इस आनंद मापक प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के सुखों और दुखों की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और सुखों को बढ़ा करके व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करके उनके लिए एक बेहतर जीवन की स्थापना की जा सकती है। यह प्रणाली व्यक्ति एवं शासन द्वारा कार्यों के निर्णय के लिए एक व्यवहारिक, यथार्थवादी एवं ठोस आधार प्रदान करती है। लेकिन जब भी कोई विचार आता है तो उसकी आलोचना ज़रूर होती है, और बेंथम के जो आनंद मापक यंत्र है इसकी भी कुछ दुर्बलताएं आलोचकों के द्वारा बताई गई है। बेंथम के प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र में अनेक सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दुर्बलताएँ एवं कमियाँ हैं। इसके आलोचकों ने यह कहा है कि ये सुखों अथवा दुखों में केवल मात्रात्मक अंतर बताती है, जबकि सुखों अथवा दुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है। इस दोष के कारण आनंद मापक प्रणाली अव्यवहारिक भी सिद्ध होती है, क्योंकि सुखों अथवा दुखों में गुणात्मक अंतर होता है और गुणात्मक अंतर की माप संभव नहीं होती, अतः व्यवहार में उसकी मापन प्रणाली भी असफल सिद्ध होती है। इसके अलावा सुखों अथवा दुखों को की मात्रात्मक माप की दृष्टि से भी उसकी समस्त प्रणाली अत्यधिक जटिल है और व्यवहार में उसको लागू किया जा सकना संभव नहीं है। बेंथम ने आनंद मापक प्रणाली को शासन की नीतियों के निर्धारण में उपयोगी माना है और इसके आधार पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को लागू करना चाहा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है।
इस बारे में बैंथम की उपयोगितावादी अवधारणा से संबंधित आलोचना के प्रसंग में विस्तार से, मतलब पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है। और बैंथम के द्वारा जो सुखवादी मापक यंत्र बताया गया है, सुखवाद की अवधारणा दी है, उपयोगितावाद की अवधारणा दी है, उसके माध्यम से बैंथम ये कहते हैं कि राज्य का यह सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के नागरिकों की सुखों में वृद्धि करे, दुखों में कमी करे। और राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के दुखों में वृद्धि हो। राज्य के द्वारा सदैव ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति के सुखों में वृद्धि हो, और जब व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होगी तो व्यक्ति खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। इसके अलावा बैंथम की उपयोगितावादी अवधारणा, मतलब बैंथम का प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र उसकी उपयोगितावादी अवधारणा को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र के द्वारा बैंथम ने अपनी उपयोगितावादी अवधारणा को अधिक वस्तुनिष्ठ एवं सुनिश्चित रूप देने का प्रयास किया है। व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र का बहुत सीमित महत्व है, लेकिन इस प्रणाली के द्वारा राजनीति, मनोविज्ञान तथा आचार शास्त्र के क्षेत्र में जिस वस्तुनिष्ठ अनुसंधान व गवेषणा की परंपरा पर बल दिया था उसका आज भी महत्व है। बैंथम की इस मापन प्रणाली के पीछे मूल भावना यही है कि व्यक्ति तथा सरकार के कार्यों का आधार भावुकता, अबुद्धिवाद तथा अमूर्त विचार नहीं होना चाहिए, अपितु इनके कार्यों का आधार बुद्धिवादी तथा वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। इस मापन प्रणाली में निहित इस विचार का आज भी बहुत महत्व है। और इस मापन प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के सुखों और दुखों की माप की जा सकती है, और माप में अगर दुख ज़्यादा आते हैं तो ऐसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है राज्य के द्वारा जिससे व्यक्ति के सुखों में वृद्धि आ जाए, सुखों में वृद्धि हो जाए। और जैसे ही व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होगी राज्य विकास की ओर स्वतः ही अग्रसर हो जाएगा। धन्यवाद।